यूविन आ जाओ। तो गाइस देखो, यूविन आज अपने आप सीढ़ी चढ़ा है। हाँ आओ जल्दी आओ। हाँ हाँ आ जाओ आ जाओ। कटोरा दिखाओ जरा खाने की। खाने की कटोरी दिखाओ। खाना मत दिखाओ, लड़बड़ी जाएगा। मुंह तो बुरा रहेगा बंदर का बच्चा। आओ आओ बाबू। देखो गाइस, पूरी सीढ़ी चढ़ गया यूविन। अभी हम यूविन के लिए क्लैपिंग करेंगे। आ जाओ आ जाओ। अब ये कहीं सीख ना जाए, नीचे को जाना ऐसे ही। ऊपर आ गया वो, ठीक है। नीचे जाना नहीं सीखेगा। है? अभी नहीं सीखेगा नीचे जाना। लग गया रास्ते और फिर सीधे नीचे। अरे वाह, यूविन ने तो पार कर लिया अपना पूरा फासला। आओ चलो, आओ यूविन, हाथ पकड़ के चलेगा ना वो। आ जाए यूविन अपने नाना जी के साथ मस्ती कर रहा है। देखो यूविन। यूविन ने जब से यहाँ आया है इतनी रौनक कर रखी है, पूछो नहीं। नाना जी तो नाचने लग गए हैं उसके। यूविन की नानी ने गोलगप्पे बनाए हैं, तो आज गोलगप्पे पार्टी हो रही है हमारी। देखो ये बनाए हैं नीलू ने, सूजी और आटे के गोलगप्पे। नीचे से अब ये बनाई है हरी चटनी, खट्टी चटनी, गोलगप्पे और दही और मीठी चटनी। गाइस हमारी बहुत ज्यादा गर्म हो गई है, तो हमने उसको ठंडा करने के लिए रखा हुआ है अभी। तो अभी हम चख के बताते हैं। तो गाइस यहाँ पे बन रहे हैं पानी के बतासे, मीठे बतासे। मिर्ची तो सब सही हो गई। पानी बन रहा है खट्टा पानी और यूविन के मुंह में आ रहा है पानी। यूविन क्या खा रहे हो आप, यहाँ दिखाओ। यूवी यू यू ता खा रहे हो आप? छोले भी है गाइस हमारे पास, इसमें हम थोड़े छोले भी भरेंगे। छोले भी भर दिए हैं। चलो आज आप लोग खा लो, अगली बार भी खा तो गाइस ये डाला हमने पानी में ऐसे और ये देखो गाइस यूविन ने खा खा के कैसा कर दिया भाई। यूविन क्या खा रहे हो तुम, कितना गिरा रहे हो? अब वो पानी के ऊपर चढ़ गया। ये देखो इसने सब खतोल बतोल दिया। तो नमस्कार पहला, कैसे हैं आप लोग? मैं तो बहुत अच्छी हूँ और मेरी माँ भी थोड़ी थोड़ी अच्छी हो गई है। आप आशा है कि आप भी अच्छे होंगे। तो आज हम जा रहे हैं अब रानी से अल्मोड़ा को, क्योंकि हमें हो चुके हैं 10 दिन। हम शुक्रवार को आए थे और बीच में हाँ शैतानी करते हुए, और हम शुक्रवार को आए थे और आज संडे है, तो पूरे 10 दिन हो गए हैं।
तो कल अगर हम एक दो दिन बाद भी जाते तो मेरी सास का श्राद्ध आ गया है, तो हमारी सासू माँ का श्राद्ध करना है हमारे पतिदेव को, तो हमको जाना पड़ेगा। और अगर हम एक दो दिन बाद भी जाते तो कल को सोमवार है, तो सोमवार को मायके से नहीं जाते ना माँ, फिर मंगल है तो इसलिए मंगल को भी नहीं जाएंगे, तो बुध को हमारे वहाँ हबीक है, इसलिए हमको जाना पड़ रहा है अपनी माँ को छोड़कर, तो हमें जाना तो अच्छा नहीं लगा, हमारी मजबूरी है जाना। तो हमारी माँ आप लोगों से हाय कह रही है, चलो हाय कह दो माँ। और आप लोग प्रार्थना करो कि मेरी माँ जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। तो अब हम लोग तैयारी करते हैं चलने की, तो आप ब्लॉग में बने रहो और देखते रहो हम क्या क्या तैयारी करें हैं जाने की। और आपकी क्या मजबूरी है? बस हमारी इनकी मजबूरी यह है कि हमारे साथ चल रहे हैं मालविका, युविन और हमारी दीदी भी हमारे साथ चल रहे हैं कि हम इनके साथ गाड़ी में पीछे से लग रहे हैं, लेकिन हमारे उस्ताद तो सोए हुए हैं अभी। उस्ताद को उठाना पड़ेगा, हमारे ड्राइवर साहब सोए हैं, हमारे साहब जी और हमारे भैया जी, हमारे भैया जी हमारे लिए मिठाई लेने जा रहे हैं भैया जी, एलआईसी हम जा रहे हैं फिर आज। और देखो हमारा भाई कितना खुश हो रहा है हमारे जाने में, दिखा रहा है। मैं इससे कह रही हूँ कह दे दीदी मत जाओ को। और ये अनिरुद्ध को चुंगी मिल रही है, बड़ी बुआ ने दे दी है। बेटा ला इसमें मैं भी हाथ लगा देती हूँ, मेरी तरफ से भी हो जाएगा तेरे को। ये मैंने भी छू दिया है अन्नी को चुंगी। माँ ये गंगा को दे देना, हाँ ले ये गंगा के लिए दे दिए हमने, अभी अनिरुद्ध को भी चुंगी देंगे हम, इनको भी देंगे हम, इनको भी चुंगी देंगे, इसको देंगे हम एक थप्पड़, इसको देंगे। और हमारे साथ जा रहा है युविन, और हमारे साथ जा रहे हैं युविन बाबा अपनी बूढ़ी नानी को छोड़ के जा रहे हैं। और देखो बूढ़ी नानी को पार कर दो, युविन कर दो ले। अभी ये हमारे साथ अल्मोड़ा जा रहे हैं, आप अल्मोड़ा में देखते रहना ये क्या क्या शैतानी कर रहे हैं। ये देखो के साथ दौड़ लगा रहा है, ये देखो लानी ठीक है। ये हमारी माँ ने हमको चुंगी दे दी है। नहीं नहीं माँ नहीं ले रही हूँ मैं, भारती के लिए भी रखी गई है। अरे ले लेना जब रखी है तो सबके लिए, नानी ने सबके लिए नानी ने सबके लिए चुंगी निकाल के रखी है। ला मैं गिंदू, लो भारती ले भारती। और ये हमारी दीदी को भी चुंगी मिल चुकी है, अभी पिठिया नीलू लगाएगी। प्रसाद है माँ का तो हम ले ले रहे हैं, हमारी माता जी का आशीर्वाद। को चुंगी मिल रही है, आज अन्नी की पॉकेट भारी हो चुकी है तो पजामा बग गई है उसकी एक साइड को। हाँ रख ले, अभी युविन की भी जेब भारी होगी गाइस, हो गई है युविन की जेब भारी होगी। तो अब हमारा सामान ले जाने लगे हैं अनिरुद्ध और मेरा भाई, और हमारे साहब जी आ गए हैं दो अटैची लेके, वो भी सामान ले जा रहे हैं। सामान इस बार ज़्यादा हो गया है क्योंकि मालविका और हमारी दीदी भी हमारे साथ अल्मोड़ा चल रही हैं, तो ये सब सामान हमको नीचे पार्किंग तक पहुँचाना है। और देखो नीलू हमको पिठिया लगा रही है और उसको गोद में रखा हुआ है, युविन गोद में बैठे हुए हैं उनकी। और ये हम पहुंच चुके हैं अपने पुराने वाले घर में, अपने भोलेनाथ जी को भेंट चढ़ाने, इष्ट देवता हैं हमारे भोलेनाथ जी मायके के भी, तो हम वहाँ तीनों जने गए हैं भेंट चढ़ाने के लिए। अब हमने वहाँ भेंट चढ़ा दी है तो अब हम निकल रहे हैं, और ये निकल गए हैं। युविन को बहुत ज़्यादा चक्कर आ रहे हैं गाड़ी में, तो हमको बार बार उतरना पड़ा है गाड़ी से, उसको मन नहीं लग रहा गाड़ी के अंदर, शायद उसका सर घूम रहा है, तो हम बार बार गाड़ी रोक रहे हैं और जगह जगह पे आराम कर रहे हैं, उसको बाहर घुमा रहे हैं। उसके नाना जी उसको गोद में लेके खड़े हैं तो खुश हो रहा है बाहर, लेकिन जैसे ही हम उसको गाड़ी के अंदर ले जा रहे हैं तो वो रोना शुरू कर दे रहा है। पहाड़ों में सिर घूम जाता है बड़े बड़ों का, तो ये तो बच्चा ही है।
और मालविका कह रही है कि इसका सर घूम रहा है, मौसा जी गाड़ी धीरे धीरे चलाओ। तो हम गाड़ी भी बहुत कम स्पीड से ले जा रहे हैं, बहुत ही धीमे 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 धीमे। और ये यहाँ पे यूविन को वोमिटिंग हो गई थी तो हम उसको बाहर निकाल लाए फिर से, और एक घर के आगे से हमने उसको बैठा दिया है आराम से। तो वो आराम से बैठा है, और जब भी गाड़ियाँ इधर उधर को जा रही हैं तो वो खुश हो जा रहा है। तो बच्चों के साथ, छोटे बच्चों के साथ सफ़र करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। अपनी गाड़ी हो तो चलो रोक लो बीच बीच में, लेकिन अगर टैक्सी में होते तो रोकना मुश्किल हो जाता फिर। और यूविन फिर से उतर चुके हैं गाड़ी से, तो गाड़ी बिल्कुल चलाने ही नहीं दे रहा, इतना ज़्यादा रो जा रहा है ये, पूछो नहीं। तो हम खड़े हो गए पेड़ की छाँव में, परेशान हो गया है बच्चा हमारा आज बहुत ज़्यादा। और हम फिर से चौथी बार उतर चुके हैं गाड़ी से, और यहाँ पे एक पानी का धारा है ठंडा ठंडा, और हमारे साहब जी चले गए बोतल लेके पानी भरने, और उनके पीछे पीछे मालविका भी चली गई है, और मैं भी चली जा गई हूँ उनके पीछे पीछे। तो धारे में बहुत भीड़ लगी है, लोग ठंडा ठंडा पानी भर रहे हैं और पी रहे हैं, और धारे का पानी तो इतना टेस्टी होता है इतना। और मालविका को तो शौक भी हो रहा था धारे का पानी पीने का, तो कह रही थी मौसा जी जैसे ही धारा आएगा आप गाड़ी रोक लेना मुझे, मैंने एक दिन धारे का पानी पिया था तो बहुत ही टेस्टी लग रहा था मुझे। तो ये सचमुच मिनरल वाटर होता है, तो वास्तव में ये इतना स्वादिष्ट इतना टेस्टी होता है ठंडा ठंडा, तो इसको पीने में मज़ा ही आ जाता है। ऐसा पानी तो कहीं भी नहीं मिलता है पीने को जैसा पहाड़ों में मिलता है हमारे। और ये देखिए मैं भी बॉटल लेके चले गई हूँ पानी भरने के लिए, अब हम भी पानी भर रहे हैं, हमारा नंबर आ चुका है यहाँ पर। और हम सोच रहे थे कि यूविन को थोड़ा सा मुंह धुला देंगे, तो अभी मैंने थोड़ा सा यूविन के फेस पे पानी लगा दिया तो बहुत ठंडा हो रहा, तो यूविन ने मुंह पलटा दिया पीछे को, और हम तो सोच रहे थे कि इसके पैर भी पानी में डालेंगे, लेकिन ये पानी पिला रहे तो नहीं पी रहा है अभी, उसे बहुत ज़्यादा घुमार लग रहा है गाड़ी का। और ये हमने उसको जैसे ही पानी में उतारा थोड़ा सा ठंडे पानी डाला, तो ये रोने लग गया ज़ोर ज़ोर से तो हमने फट से इसको निकाल दिया है। आप और लोग भी रुके हुए हैं पानी के लिए, तो हम फटाफट पानी भर रहे हैं। ये देखिए आते जा रहे हैं लोग पानी पीने के लिए, यहाँ पर लोग स्पेशली रुकते हैं पानी पीने के लिए धारे में। तो अब हम आ चुके हैं वापस, और ये पानी पी रहे हैं, हमने बोतल भर ली है। हम रुक चुके हैं आप कोसी में एक रेस्टोरेंट में, तो हम सोच रहे हैं कि चाय पकोड़े खा लेते हैं और पी लेते हैं। रास्ते में चाय पकोड़ों का मज़ा ही कुछ और होता है सफ़र में। और ये देखिए पीछे कोसी नदी बह रही है, पीछे का व्यू है ये रेस्टोरेंट के। और हम ऑर्डर दे रहे हैं वहाँ पे, लेकिन हमारा ऑर्डर मुझे नहीं लग रहा कि हो पाएगा, वो कह रहे कि अभी एक घंटा लगेगा। तो अब हम सोच रहे हैं कि आगे की तरफ बढ़ जाएं, और यहाँ पे हमें एक वैन मिली है और गाड़ी रुकी है हमारी। देखिए मालविका और दीदी तो अंदर ही बैठे हैं, हम पूछ रहे हैं क्या मिलेगा, तो उन्होंने कहा सब कुछ मिल जाएगा, तो हमने ऑर्डर दे दिया है और हम बैठ गए हैं बाहर। ये देखिए जंगल दिख रहा है साइड में, और ये मैगी बन के आ गई है, और बन मक्खन भी बन के आ गया, चाय भी बन के आ गया है।